वन प्लस आजकल काफी चर्चा बिकॉज ऑफ वन प्लस नोड, बट वन प्लस का एक मिस्टीरियस स्मार्टफोन गीक बेंच पर लिस्ट हुआ है जिसमें आपको 6 GB की रैम और एंड्रॉइड 10 देखने को मिलता है। अब ये कौन सा स्मार्टफोन है, इसमें हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, इसका प्राइस क्या हो सकता है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक शेयर भी एकदम दबा के कर देना। तो ये दोस्तों, मेरा नाम है गुरमीत, आप देख रहे हैं क्रिएट टेक, वेलकम टू दिस अमेजिंग फ्रेश इंटरेस्टिंग वीडियो में। OnePlus 2028 इस नाम से OnePlus का एक नया स्मार्टफोन Geekbench पर लिस्ट हुआ है, जो कि एक अफोर्डेबल रेंज का स्मार्टफोन होगा और एज पर द लीक्स ये OnePlus Nord Lite हो सकता है, कंफर्म नहीं है। इस स्मार्टफोन में आपको 1.71 GHz वाला एक प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली Snapdragon 690 होगा। अगर इस प्रोसेसर के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे आपको एड्रीनो का 619 GPU देखने को मिल जाएगा। ये प्रोसेसर 8nm टेक्नोलॉजी पर बेस होगा और यही नहीं, ये एक बजट 5G प्रोसेसर है जहाँ पे आपको एक X51 5G मॉडम देखने को मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट फीचर की यहाँ पे आपको 70% इम्प्रूव्ड AI परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 665, 675 जितने भी 600 वाले प्रोसेसर है उनसे यहाँ पे आपको 70% इम्प्रूव्ड AI परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। तो इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको शायद OnePlus की तरफ से एक अच्छा स्मार्टफोन, एक अच्छा बजट 5G स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है जिसमें आपको काफी कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। अगर आपको याद हो कि OnePlus ने 2019 के एंड में कहा था कि हमारे जितने भी अपकमिंग स्मार्टफोन्स होंगे उनमें आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, तो जो ये OnePlus का मिस्टीरियस स्मार्टफोन Geekbench पर लिस्ट है यहाँ पे आपको एटलीस्ट 90Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले होगी या फिर LCD पैनल होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है। वहीं अगर बात करें कैमरास की, तो यहाँ पे मैं सच कहूंगा कि कैमरास की कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है, बट अगर OnePlus ट्रेंड को फॉलो करता है तो यहाँ पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है और मे भी यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाए, बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कैमरास की कोई भी एक सिंगल डिटेल भी सामने नहीं आई है। इस स्मार्टफोन में आपको अबव 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि एटलीस्ट 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। तो फिलहाल ये कुछ फीचर्स सामने आए OnePlus के एक मिस्टीरियस स्मार्टफोन को लेकर, जो कि कहा जा रहा है कि OnePlus Nord Lite के नाम से लॉन्च हो सकता है। कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ लीक्स और रूमर्स है जो कि सच हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। OnePlus Nord ये एक OnePlus का अफोर्डेबल लाइनअप होगा जिसमें आपको बजट स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे और आई विल से कि आपको OnePlus के कम कीमत में एक अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ये OnePlus का स्मार्टफोन है ये OnePlus Nord Lite हो सकता है और मे भी आपको OnePlus Nord लाइनअप में ये वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाए। तो आप सभी अपने इंपॉर्टेंट ओपिनियन जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में OnePlus Nord लाइनअप को लेकर और OnePlus के इस मिस्टीरियस स्मार्टफोन को लेकर कि आपको क्या लगता है स्मार्टफोन कौन सा हो सकता है, इसमें हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। आपको जो भी पता है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर कुछ पूछना है तब भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन फ्यूचर अगर OnePlus अपनी बजट स्मार्टफोन को लॉन्च करता है विद ग्रेट प्राइस, तो क्या आप Xiaomi या फिर Redmi Realme के स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि OnePlus एक अच्छा ब्रांड है जिसमें हमें काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं विद ग्रेट प्राइस, जैसे कि OnePlus 8 Pro। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि OnePlus की बजट स्मार्टफोन के लिए क्या आप वेट कर रहे हैं या फिर नहीं। तो आपके जो भी ओपिनियन है आप बिंदास होके कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और बाय द वे OnePlus Nord 21 जुलाई को लॉन्च होगा, देखते हैं क्या होता है उसमें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग क्रिएटिव टेक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।